हेलो दोस्तों, आज कुछ स्वीट हो जाए। तो गाइस, एक स्मूथ सी खीर बनानी है। एक क्या बनानी है, थोड़ी काफी सारी बनानी है। दो तीन कटोरी बनानी है, बिल्कुल स्मूथ बैटर वाली खीर बनानी है। उसके बाद एक गिलास लेना है, कांच का, कोई सा भी ले सकते हो। उसमें डालनी है खीर अपनी। उसके बाद एक चम्मच भर के उसमें क्रीम डाल देनी है, व्हाइट वाली वनीला फ्रेश क्रीम, या आप दूध की भी डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी चॉकलेट लेनी है, उसे चॉप करना है अच्छी तरीके से, बारीक बारीक। आपके पास स्प्रिंकल हो तो आप वो भी डाल सकते हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह वो भी डाल सकते हो, जो भी मतलब आपको अच्छा लगता हो। मुझे थोड़ा ज्यादा स्वीट पसंद है, तो मैं इसमें चॉकलेट डालूंगी, थोड़े से स्प्रिंकल भी कर लूंगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट नट वगैरह उसे भी डाल देंगे हम। खूबसूरत तरीके से थोड़े काजू लेंगे और काजू डालेंगे इसके साइड साइड में, थोड़े से दिखने में भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी तो खाने का मन करेगा। क्यों, मैंने इसमें डाल दिए हैं चॉकलेट के, मैंने डेरी मिल्क ली है, मुझे डेरी मिल्क ही मिली। आप कुछ और चॉकलेट भी डाल सकते हो, डार्क वगैरह आपको पसंद हो तो। थोड़े मैंने थोड़े से मैं इसमें किशमिश भी डालूंगी। हमारी जो डेकोरेशन है वो लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़े से हम इसमें चॉकलेट स्प्रिंकल के डालेंगे। आपके पास अगर छोटे वाले स्प्रिंकल है या थोड़े से चॉकलेट सिरम डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो आप। थोड़ा सा बादाम भी डाला है मैंने, सर्दी का एहसास हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म गर्म भी तो होना चाहिए। गाइस, ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है ये उससे कहीं गुना यमी और टेस्टी है। दिल खुश होने वाला है आपको इसको खा करके। और गाइस, वैसे भी चॉकलेट तो हमारे मूड के लिए बिल्कुल वरदान है। चॉकलेट का नाम सुनते ही हमारा आधा मूड तो वैसे ही ठीक हो जाता है, और चॉकलेट हमारा डिप्रेशन लेवल भी काफ़ी हद तक कम करता है। तो गाइस, जरूर खाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा इस स्वीट डिश को, जरूर बनाइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे कि आपको हमारी डिशेज कैसे लगती है, और अगला हम जो वीडियो बनाए वो किसका बनाए। गाइस, जरूर मैं कमेंट करके बताइएगा आपको चॉकलेट कैसी लगती है।